नमस्कार, हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आपका स्वागत है। बच्चों बच्चों हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 पढ़ ली है, फिर उसके बाद 1986 वाली एजुकेशनल पॉलिसी जो है, जिसको कि राजीव गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी हमने पढ़ लिया है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करती है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करती है। इनके बारे में आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की थी, उसका विरोध होता है। विरोध होने की वजह से एक नया आचार्य राममूर्ति कमीशन बिठाया जाता है, और जो कि 86 वाली जो पॉलिसी है उसमें जो जो कमियां रह गई हैं उनके बारे में सुझाव देने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए हालांकि 1986 की जो पॉलिसी थी राजीव गांधी जी ने जो बनाई थी, मतलब उसको रजामंदी दी थी, तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया था, उसको कंटिन्यू तो कर दिया था, हालांकि उसका विरोध हुआ था। उस विरोध की वजह से आचार्य राममूर्ति कमीशन, न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया गया है 1990 में। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उनके बाद में 1990 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते हैं भारत के, उन्होंने भी आचार्य राममूर्ति के कमीशन को काम करने दिया है, और इसकी अभी रिपोर्ट आने ही वाली थी, अभी रिपोर्ट आई नहीं थी कि 1992 में फिर से जब रिपोर्ट आती है तब कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा से बन जाती है। तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री हैं वो नरसिम्हा राव हैं, और नरसिम्हा राव ने फिर ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 है, जो कि सुधार के बाद आती है, इसको फिर अडॉप्ट किया है। और इसमें खास तो विशेष चीज जो है, इसकी खास चीज जो है वो है कि ऑल इंडिया बेसिस पे जो प्रोफेशनल और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जेईई जूनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, और या फिर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEE की बात की गई है। ये जो एग्जाम है ये पेपर स्टार्ट होता है, इसके साथ ही स्टेट लेवल पर की स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी बात की गई है। तो ये नेशनल पॉलिसी 1992 के हिसाब से स्टार्ट होते हैं ये। और इसके साथ ही बच्चों ये जो नेशनल पॉलिसी 1992 वाली है, इसमें जो ऑलरेडी जो इग्नू का प्रोग्राम का जो चल रहा था, इग्नू जो यूनिवर्सिटी 1985 की है, जो वो ऑलरेडी 85 में बन गई थी, उसको भी एक्सपेंड करने की बात की है। तो जो नरसिम्हा राव है, इन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी चलाया है 1992 में, जिसके हिसाब से कि ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ लिया है, और इसके साथ और भी इसके साथ में सजेशंस हैं। तो बच्चों अब इससे आगे इसके फीचर्स अच्छे से पढ़ेंगे, बैकग्राउंड हमें अच्छे से समझ में आ गया है, अब इसके फीचर्स को पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो बोली है एनपीई 1992 ने कि एजुकेशन जो है वो लाइट ऑफ लाइफ है, यानी कि प्रकाश है जीवन का, रोशनी है जीवन की एजुकेशन की, और जो एजुकेशन है उसे ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी चाहिए बच्चे की। और इसका मेन जो बात की गई है 10+2+3 का जो सिस्टम है, पूरे इंडिया में इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, यानी कि 10 साल बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन ली जानी चाहिए बच्चे के द्वारा, उसके बाद 2 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन ली जानी चाहिए, और फिर यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री के लिए उसको 3 साल लगाने होंगे। तो इसकी भी बात की गई है, ये ऑलरेडी पुरानी पॉलिसी से चला आ रहा है, ये 1992 वाली पॉलिसी में भी है ये पॉइंट। अब इसके बाद नवोदय स्कूल के बारे में बात की गई है, नवोदय स्कूल्स के बारे में कहा गया है कि ये जो स्कूल्स हैं वो केवल गरीब बच्चों के लिए ही नहीं है बच्ची, बल्कि उसके साथ ही जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको भी नवोदय स्कूल्स में एडमिशन दी जानी चाहिए, और विमेन एजुकेशन, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में जोर दिया गया है। इसके साथ ही जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो वोकेशनल होना चाहिए, और इसके साथ ही फीमेल्स की पढ़ाई के लिए भी जोर दिया गया है। अब ट्राइबल एजुकेशन की बात करेंगे, तो ट्राइबल क्योंकि आश्रम स्कूल्स, बच्चों आश्रम स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो कि ट्राइबल एरिया में, आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जहां पर ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा सके, और इन आश्रम स्कूल्स ये रेजिडेंशियल स्कूल्स भी हो सकते हैं। तो कई स्टेट्स हैं जहां पर आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा, तो वहां पर आश्रम स्कूल्स होते हैं। तो अब ये जो ट्राइबल एजुकेशन की बात है कि आश्रम स्कूल्स का जो जो
जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में होना चाहिए, ये भी एक सजेशन दी गई है। और इसके साथ ही नेशनल लिटरेसी मिशन भी है, 1992 की जो एनपीई है उसके हिसाब से नेशनल लिटरेसी मिशन भी है, यानी कि जो एडल्ट लिटरेसी है, यानी कि 15 साल से जो 35 साल के जो बच्चे, जो व्यक्ति हैं, जवान लोग हैं, वो अगर अनपढ़ हैं तो उनको हमने, उन सबको साक्षर कर देना है एडल्ट स्कूल्स के द्वारा, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, टीवी के प्रोग्राम्स के द्वारा। और फिर इसके बाद अर्ली एजुकेशन की बात की गई, आंगनवाड़ी की बात की गई है, तो यहाँ पे डे केयर सेंटर्स और ज़्यादा खोलने के लिए कहे गए हैं। और जो एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन है कि उनको भी, उनकी भी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और जो मदरसा एजुकेशन है उसको भी मॉडर्नाइज कर देना चाहिए। अब अच्छा, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसके बारे में हम समझ लें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, और प्राइमरी एजुकेशन में कम से कम मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज, यानी कि कम से कम जो जरूरी आवश्यकताएं हैं एक स्कूल की, प्राइमरी स्कूल में, वो जरूर होनी चाहिए। यानी कि एक प्राइमरी स्कूल में क्या क्या जरूरी होना चाहिए, कम से कम दो कमरे होने चाहिए जो कि ऑल वेदर रूम्स होने चाहिए, यानी कि हर मौसम में उनमें बैठा जा सके, और उनमें ही बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी होने चाहिए और ब्लैक बोर्ड्स भी होने चाहिए, मैप्स वगैरह बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल आदि, पढ़ाए जाने वाली जो जिन जरिया पढ़ाया जाता है वो चीजें भी होनी चाहिए। तो ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब एनपीई 1992 जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहती है कि जो हमारा आर्टिकल 45 है कि जो 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। 21वीं सदी में जब हम एंटर करेंगे उससे पहले हमारे एक भी ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि अशिक्षित रह जाए। और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 14 साल के बाद और 16 साल तक सेकेंडरी यानी कि 10वीं तक की एजुकेशन होनी चाहिए, और वोकेशनलाइजेशन होनी चाहिए कोर्सेज की, ये भी सजेशन है पीओ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब इसके बाद बच्चों हम ये पढ़ते हैं कि अब एक बार सभी जितनी भी नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन है इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, इसे थोड़ा सा पढ़ें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जितनी भी नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं अभी तक, जितनी पढ़ ली हैं हमने, तीन पढ़ ली हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक डिटेल में इन सभी पॉलिसीज को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में होती है जिसका बहुत ही विरोध होता है, वो राजीव गांधी के टाइम पर है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसके बाद आचार्य राममूर्ति कमीशन बिठाया जाता है 1990 में, और फिर वो रिपोर्ट देता है उस टाइम पर नरसिम्हा राव की सरकार थी। फिर पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती है 1992 में जिसको अभी हमने पढ़ा। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट की थी 2005 में, और 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर भी 2017 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसको भी अडॉप्ट किया गया है। हालांकि इसका पूरा जो टेक्स्ट है वो पूरी तरह से अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो 2017 की सबसे लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इन डेट्स को याद रखना है। तो बच्चों आपको कैसे लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।